पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जिनकी काफी लंबी फैन फॉलोइंग है। फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार की फिल्मों के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, जिसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं। अब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी MCAFE ने सेलिब्रिटी हैकर्स हॉटलिस्ट 2024 को जारी किया है। इस लिस्ट में उन सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं जिनके नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। MCAFE की ओर से जारी इस लिस्ट में सबसे टॉप पर अरहान अवात्रामनी उर्फ ओरी का नाम है, जो स्टार किड्स के बीच काफी पॉपुलर है। जानवी कपूर, न्यासा देवगन, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण सहित कई सेलिब्रिटीज उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं। इसका फायदा साइबर क्रिमिनल उठाते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। सिंगर दिलजीत दोसांझ का जल्द ही दिल लुमिनाटी कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसके टिकट्स को लेकर काफी डिमांड है। ऐसे में स्कैमर्स इसका फायदा उठा रहे हैं और सिंगर के पैसों को ठगने का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही एक मामला सामने आया था। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था जो बॉलीवुड के कई सितारों का नकली पैन कार्ड बनाकर बैंक के साथ धोखाधड़ी कर रहा था, जिसमें आलिया भट्ट का भी नाम शामिल था। रणवीर सिंह चाहे ऑफ स्क्रीन हो या ऑन स्क्रीन, अपने चारों से हमेशा फैंस के बीच छाए रहते हैं। हाल ही में एक्टर का एक AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो कथित तौर पर अपने पॉलिटिकल ओपिनियन शेयर करते नजर आए थे। क्रिकेटर विराट कोहली की काफी लंबी फैन फॉलोइंग है। इसका फायदा साइबर क्रिमिनल्स उठाते हैं और ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें बिना परमिशन के ऑनलाइन विज्ञापन पर सचिन तेंदुलकर के नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही ठगी की घटना को अंजाम भी दिया गया था। इसी साल जून में ही एक्टर की प्रोडक्शन हाउस कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम पर ठगी की गई। साइबर क्रिमिनल्स ने नौकरी का लालच देकर लोगों को ठगने का काम किया। हालांकि इस मामले में शाहरुख खान और गौरी खान ने एक्शन लेते हुए धोखाधड़ी करने वालों को चेतावनी भी दी थी। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का भी काफी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में एक्ट्रेस के नाम का भी फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर फर्जी क्रेडिट कार्ड से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। आमिर खान का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें एक्टर एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार करते नजर आ रहे थे। उस वीडियो को काफी शेयर भी किया गया था। हालांकि जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि वीडियो आमिर खान के शो सत्यमेव जयते से था, किसी ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की थी। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि धोनी रांची में फंस गए हैं, उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए 600 रुपए की जरूरत है। मामले की जांच में पता चला कि स्कैमर्स लोगों से पैसे ठगने के लिए मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया पर धोनी के नाम का सहारा ले रहे थे। MCAFE एक कंपनी है जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिवाइस को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए सुरक्षा सॉफ्टवेयर बनाती है। यह वायरस और अन्य साइबर हमलों में से आपकी जानकारी और पहचान की रक्षा करती है। इसके प्रोडक्ट्स आपके इंटरनेट के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाते हैं। बता दें, MCAFE ने इसी साल की शुरुआत में एक सर्वे भी किया था, जिसके मुताबिक 80% भारतीय डीप फेक को लेकर ज्यादा परेशान है, जबकि 64% का मानना था कि AI की वजह से ऑनलाइन स्कैम को पहचानना अब मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।